नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा जिला से आ रही है। दरभंगा के बिरौल क्षेत्र से जहां मतदान शुरू हो चुका है। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्थानीय प्राधिकार की सीट पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। जिला में कुल 5108 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। जिला के अंदर कुल 13 प्रत्याशी हैं इस बार मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। पूरे जिले में टोटल 18 बूथ 18 प्रखंड में बनाए गए हैं। खासकर बता दें जहां मतदान करवाया जा रहा है, मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय जिला में ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के NDA के सुनील चौधरी और राजद के उदय शंकर यादव और कांग्रेस के इम्तियाज अहमद के बीच बताया जा रहा है। मुकाबला देखा जा रहा है। रात भर ये सभी प्रत्याशी सभी उम्मीदवार छुप छुप कर अपने वोटरों के घर जाते रहे। हमने 12 बजे रात में देखा है कि सभी वार्ड मेंबर मुखिया से मिलते हुए जो उम्मीदवार के जो लोग हैं वो लगातार छुप छुप के मुलाकात कर रहे हैं। और खासकर बता दें कि ये कितना मुलाकात जो है वो साबित हो सकता है कारगर, ये देखने की बात होगी। महत्वपूर्ण ये बता दें कि यहाँ पर खासकर जो मतदान केंद्र हैं उस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं, जिनके बारे में बिरौल के PDO प्रेम शंकर मिश्र ने बताया है कि यहाँ पीठासीन पदाधिकारी हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही मतदान धीमा है। सदर प्रखंड मतदान केंद्र पर वोट गिराने गई आई महिला वोटर ने कहा है कि जो विकास करेगा उन्हीं वोट देने का मन बनाकर आई हूँ। महत्व ये है कि सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिए। इंटरव्यू सुनाते हैं यहाँ पर प्रेम शंकर मिश्रा जो पठासीन पदाधिकारी हैं, नुसरत जहाँ जो महिला वोटर। नगर निगम से हम अपना मतदान किया विकास के लिए, विकास का मुद्दा है मेरा, जिसे विकास है शहर का। अभी मतलब आप लोगों का भी चुनाव होने वाला है तो आप लोग उस समय कैंडिडेट होंगी और अभी आप वोटर के रूप में अपना प्रतिनिधि चुन रही हैं, तो कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1 महीने के बाद हम लोग का खुद चुनाव होने वाला है, उसमें फिर हम कैंडिडेट बनेंगे 35 बार से। क्या उम्मीद है आपको अपने जनप्रतिनिधि जो यहाँ से जीत कर जाएंगे उनसे क्या उम्मीद है? वो शहर का विकास करेंगे, इसलिए हम अपना मतदान किए हैं कि शहर का विकास हो। अभी तक जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके परफॉर्मेंस के बारे में? उनसे देख कर गया था, जो भी आएंगे वो अच्छा ही विकास करेंगे शहर के लिए। आज 4/4/2022 को 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 4 बजे तक चलेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो इसलिए यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट फोर्स और अन्य दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिस काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये चुनाव करवाया जा रहा है। कौन कौन से बल यहाँ पे लगाए गए, जैसे पुलिस के अलावा और कौन लोग हैं यहाँ पे? स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, गश्ती दल दंडाधिकारी भी हैं, जोनल मजिस्ट्रेट भी हैं, उनको लगाया गया। और सर मतदान जो शुरू हुआ है तो उसकी गति कैसी है? धीमा मतदान हो रहा है? तो धीमी नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधिगण जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। नगर निगम वाला